चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन टू है। क्वेश्चन टू है, शो एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। क्यों इज सम इंटीजर, ठीक है, इसको बताना है। तो पहले हम लेकर चलेंगे लेट ए एनी पॉजिटिव और इंटीजर। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया शो एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, ठीक है। तो हम ए को लेकर चलेंगे जो कि पॉजिटिव और इंटीजर में होगा, और बी हम लेते हैं 6, ये वाला 6 जो ये दिया होगा बी 6, तो बी इज इक्वल टू 6 एंड ए एनी पॉजिटिव और इंटीजर। बी अप्लाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या है, हम लोग पहले वाले में देख चुके हैं, बी क्यू प्लस आर से लेकर चलेंगे, जहां बी हमारे पास है 6, क्यू इज अ इंटीजर, गिवन इन द क्वेश्चन क्यू इज सम इंटीजर, वेयर Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q इज ग्रेटर देन और इक्वल होगा 0। Q इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 एंड R मीन्स रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा, और R इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही होगा। कभी भी रिमाइंडर 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 अपने आप में B डिवाइजर जो है वो 6 है, ठीक है। तो 6 नहीं होगा, तो लेस देन 6 बिकॉज आर नहीं होना चाहिए इक्वल, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल होगा या 0 से एंड स्मॉलर देन होगा 6 से, आर ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा 0 के और स्मॉलर देन होगा 6 के, बिकॉज बी इज इक्वल टू 6। तब हम इस एल्गोरिथम में वैल्यू रख के चलेंगे, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू है 0, 0 या 0 से बड़ा हो सकता है क्यू, ठीक है। तब हमारा एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, देन एल्गोरिथम से क्या निकलता है हमारे पास, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, ये है ए, इसी को मैं लेकर चल रहा है, तो ए का वैल्यू आ सकता है 6q या 6q+1, 6q+2, रिमाइंडर चेंज होता जा रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर 0, आर इक्वल टू 0 अगर हम लेकर चलते हैं तो 6q आ गया, आर इक्वल टू 1 लेते हैं तो 6q+1, आर इक्वल टू 2 तो 6q+2, इसी तरह से और 6q+3, 6q+4, 6q+5, बस 5 पर बिकॉज आर इक्वल टू 5 के तक है, ठीक है, 6q+5। बट क्या गिवन है यहाँ पर, ए यहाँ पर हमें दिया ए एनी पॉजिटिव और इंटीजर, बट ए इज एनी पॉजिटिव और इंटीजर, सो वी नॉट कंसीडर, हम क्या नहीं ले सकते, वी नॉट कंसीडर 6q, 6q, 6q+2, 6q+4, हम इसमें नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑड इंटीजर नहीं है, 6q, 6q+2 और 6q+4 ये सब क्या है, ये डिवाइडेड बाई 2, ये इनसे डिवाइड हो जाएंगे, जबकि हमको ऑड इंटीजर चाहिए इक्वल टू, एक्सप्रेशन क्या एक्सप्रेशन होंगे, 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5, ये एक्सप्रेशन होंगे और ये होंगे यानी ऑड पॉजिटिव। क्वेश्चन थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 660 मेंबर्स टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, ठीक है। 660 मेंबर्स है जो कि 32 मेंबर्स परेड में चल रहे हैं, 32 मेंबर्स एक लाइन में, टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, कितने मतलब 600 660
कितने कॉलम बन सकते हैं 32 32 के, कितने कॉलम्स बन सकते हैं ये पूछ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर जब भी पूछा जाता है तब हमको क्या निकालना होता है, एचसीएम। तो कितने कॉलम बनेंगे ये पूछा जा रहा है, तब हम क्या निकालेंगे इसको भी हम एचसीएम निकालने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करेंगे, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया हुआ था। तो क्या है, बाय अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी कैन फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। एचसीएम ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो एचसीएम निकालने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा निकालेंगे। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था, सेम उसी तरह से करना है। सिंस 616 इज ग्रेटर देन 32, 616 और ग्रेटर देन है 32 से, सो हम इसको लेकर इनका क्या निकालेंगे, वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू गेट एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। तो वी गेट हमको क्या मिलेगा, वी गेट 616 इज इक्वल टू 32। इसको कैसे निकालना, मैंने पहले भी बताया था, 616 यदि हम 32 से डिवाइड करें क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 32 बन जा 32 9, यहाँ पर आया ट्रांसमिस्टिंग है तो ये 6 32 9 जा रिमाइंडर बचा हमारे पास ए। तो इससे हम लेंगे, इसको हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, यूनिट्स डिवीजन लेमा में लगाएंगे। क्या है हमारे पास एल्गोरिथम, 660 = 32 × 90 और प्लस यहाँ रिमाइंडर आता है, यहाँ कोशेंट क्यूब और यहाँ पर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर है ए। ठीक है, इसके बाद क्या है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं है, इसलिए हम फिर से डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, बी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू गेट एचसीएफ ऑफ, क्या निकालना हमको, एचसीएफ ऑफ अब किसका निकालेंगे, 32 और 8 का, एचसीएफ ऑफ 32 है 8। अब हमारे पास नया डिवाइजर 8 हो जाएगा और हम इस 32 को इधर ले आएंगे, तो 8 4 32 और यहाँ पर आ गया 0। वी गेट क्या करेंगे हम, वी गेट फिर से हम यहाँ पर एल्गोरिथम लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, यहाँ आया हमारा डिविडेंड 32, यहाँ पर क्या आएगा 8 × 4 + 0, क्या आया 8 × 4 कोशेंट है और 0 रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो वी स्टॉप प्रोसीजर, हमारा प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। और जो लास्ट डिवाइजर है, 8 आया हमारा लास्ट डिवाइजर, ये लास्ट डिवाइजर ही एचसीएफ होगा। ठीक है, लास्ट डिवाइजर 8, लास्ट डिवाइजर का 8, सो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8, और इस तरह से 8 कॉलम बनेंगे। तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 8। तब हम आंसर लिखेंगे, आंसर देख लीजिए आप लोग, यहाँ जगह नहीं है, क्या लिखेंगे, देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स कैन मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड इज 8, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 8। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन 4, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन 4।